मैंने उससे तो कोई बात ही नहीं करी है, मैंने काठेड़ जी को जरूर बोला है और काठेड़ जी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साफ सुथरी छवि के हैं। हाईकमान ने निर्णय लिया, उसमें हम सबकी भी राय ली थी। हमारा ये कहना है कि कोई भी अगर तस्कर माफिया है, पुलिस के दलाल टाइप के लोग अगर उनके साथ अध्यक्ष जी बैठते हैं या उनको गाड़ी में बिठाते हैं तो इससे कांग्रेस की छवि बनती है, ये मेरा कहना है। मैंने जिला अध्यक्ष जी को बता दिया है, उनको हो सकता है कि अगली बार वो ऐसा नहीं करें, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरी छवि खराब है तो आप मुझे भी गाड़ी में मत बैठिए, मत बिठाइए। कोई भी व्यक्ति, हम कांग्रेस में छवि वाले लोग अच्छे साफ सुथरे लोगों को साथ में रखना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य। हाँ, देख लीजिए 10 साल का जब शासन रहा कांग्रेस का, उसमें क्या उन्होंने गोल खेला है। सारी एक एक जनता, एक एक कांस्कार जिनके ऐसे केस बने झूठे, वो आपको पूरी कहानी बता दे। सर, गाड़ी में बैठने वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि जावद से अजीत जी काठेड़ मेरे साथ थे। हम जावद में जो कार्यक्रम था, धरना जवाब दो हिसाब दो, शिवराज सिंह जी का कार्यक्रम था, उसके बाद हम सरवनिया गए। सरवनिया जाने के बाद वहाँ कार्यक्रम अटेंड किया और मेरे साथ ही थे बैठ, वो ऐसी झगड़े वाली कोई बात नहीं, परंतु मेरे ऊपर कोई ने मेरे को बात करके काठेड़ साहब आप गलत आदमियों के साथ रह रहे हो ऐसा कुछ अगर बोला, तो मैंने अगर मेरे को लगा तो मैंने कहा यार भैया आप किससे बात कर रहे हो, या तो आरोप साहब मेरे ऊपर सिद्ध, कुमार जी आप मेरे ऊपर आरोप सिद्ध कर देना, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और या फिर मैं अगर मेरे को तस्कर बताते हैं तो आपके भी रिकॉर्डेड मामले होंगे। मेरे तो रिकॉर्डेड मामले नहीं है, पर आपके खिलाफ अति बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड मामले हैं, तो उस बात को लेकर चर्चा हुई। फिर कार्यकर्ता और काठेड़ साहब थे बीच में, उन्होंने कहा कि फालतू बात नहीं करना, तो ऐसी ज़्यादा कोई बात नहीं, परिवार का मैटर है और परिवार में हमने बैठ के अपनी अपनी छोटी मोटी कोई बात संवाद हुआ था, उस संवाद को वहीं कहने में अगर कहने में तो कोई आरोप, अगर उनको कोई दूसरी तकलीफ हो या मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ, वो अगर कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं, मैं भी कांग्रेस के मांगने का अधिकार सबको है। मैंने तो जावद तहसील 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं ग्राम पंचायत से लेकर जनपद तक मैंने सफर तय किया, प्रदेश ब्लॉक भी काम किया, जिले में काम किया, अभी वर्तमान में प्रदेश प्रतिनिधि हूँ, और मांगने का अधिकार अगर पार्टी मुझे देगी और उसको तकलीफ है तो मेरे उसको मेरे उसका इलाज तो मेरे पास कुछ है। चुनाव का टाइम है, प्रतिस्पर्धा है, थोड़ी बहुत उसको निपट लेंगे अंदर बैठ करके, सबको समझाएंगे बुझाएंगे, और जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए सब मिल करके चुनाव प्रचार करें। नहीं, कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। अरे एक बात हो रही है कि ये प्रतिस्पर्धा होना तो वाजिब है, और जब तक टिकट नहीं बटेगा तब तक सारे उम्मीदवार अपनी अपनी कोशिश करते हैं, पर जिस दिन टिकट मिलेगा उस दिन सब मिल करके जिताएंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसको जिताएंगे।